हेलो एवरीवन, साइमन दिस साइड। अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में इंटरेस्ट है और आप स्टार्ट करना चाहते हो, सो ऑलवेज रिमेंबर, जैसे ये बिजनेस दिखता है ना वैसा है नहीं। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मोर देन 10 ईयर्स से मैं इस बिजनेस में हूँ। मेरा खुद का कंपनी है, लाइक इन बॉम्बे है, दिल्ली है, एंड रिसेंटली आई स्टार्टेड माई ओन कंपनी इन सिंगापुर। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं अपना कोई ऐसे स्टोरी कहानी नहीं बताने वाला, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि कब बिजनेस सक्सेस होता है उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स है। अगर आप इन पॉइंट के ऊपर रेडी हो तब आप एंटर कीजिए, नहीं तो ऐसे किसी की भी वीडियो देखना, इवन मैं अपनी बात करता हूँ, ऐसी वीडियो देख के कहीं पे भी इन्फ्लुएंस होकर, हाँ भाई इतना प्रॉफिट मार्जिन है, ऐसा है, ये चीज़ें वर्कआउट नहीं करती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए कोई भी बिजनेस हो, आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का या तो कोई भी बिजनेस, ऑलवेज रिमेंबर, आप ये सोचना कि आप इस बिजनेस को कितना टाइम देने वाले हो, पहला क्वेश्चन ये होना ही चाहिए। आप ये मत करना कि हाँ भाई मैं दिन के 1 घंटा दूंगा, 2 घंटे देगा। रियली डू यू रियली थिंक कि आप जिस बिजनेस के ऊपर आपको बिजनेस बढ़ाना है और जहाँ से आपको अर्न करना है, उसके लिए आप सिर्फ 1 घंटा दे रहे हो? कोई भी लोग होता है कि मैं 9 to 5 जॉब कर लूँगा, जो भी होता है, 9 to 5, 9 to 6 जो भी जॉब होती है, उसके बाद घर आऊँगा, 1-2 घंटा स्टडी करके फिर बिजनेस करूँगा। नहीं, आपको इसमें 101% देना ही देना है आपका, लाइक कि इसमें आओ तो फिर इसी के ऊपर फोकस करो। तो आप पहले ये सोचो कि दिन का कितना घंटा प्रॉपर इस पर टाइम दोगे, इसके ऊपर, इसके लिए रेडी रहना, ठीक है। उसके बाद हाउ मच मनी डू यू रिक्वायर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्यों? क्योंकि जब आप बिजनेस में एंटर करते हो ना, सारा छोड़ छाड़ के, या तो अपना फील्ड शिफ्ट करते हो, या तो नया एंटर करने वाले हो, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता है कि इस बिजनेस में कितना इन्वेस्ट करना होता है। क्योंकि लोग यूट्यूब पे बोल देते हैं 50,000 से 10,000 से एक्सपोर्ट स्टार्ट करो, ठीक है। यूजुअली 10 to 15,000 के आसपास आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा, मतलब सॉरी 15 to 20 के आसपास जाता है। रीज़न आई एम टेलिंग यू, क्योंकि आपका उसमें से अपेडा का फीस वगैरह वही 5,900 तो गवर्नमेंट का फीस है। अब आप किसी से बनवा लोगे तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज, फिर आपके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लाइसेंस का 500 रुपीज़ लगता है, उसका अलग सा, आप GST किसी से बनवाओगे, है ना। तो ये सारे का मिला मिला के आप सारे एक्सपेंसेस करके 15,000 से 20,000 रुपये का तो आपके से लाइसेंस लगता है। बट ऑलवेज रिमेंबर कि आपको अगर छोटे से शुरुआत करना है, आपको मंथली GST रिटर्न का CHA का भी तो चार्जेस लगता है, तो आप एक इन्वेस्टमेंट कितना लगा के चलते हो? क्योंकि अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो कम से कम आपको 3 महीने वहाँ पे सस्टेन करना पड़ेगा, लाइक, है ना, कि 3 महीने के फंड्स आपके पर रिजर्व होने चाहिए, एक ये इम्पोर्टेंट है। अब ये आता है कि हाँ आपके पास थोड़ा बहुत आपने पैसा जमा कर ले, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख एज पर योर कैपेसिटी, जितना भी इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो इसके बाद आता है कि कौन से प्रोडक्ट में एंटर करना है, क्योंकि ऐसा भी ना हो कि आपने एग्जांपल आपने कुछ साइकिल मैन्युफैक्चरर हो, आप किसी साइकिल ट्रेडिंग ट्रेड कर रहे हो, ऐसे साइकिल बाइक और एक्सपोर्ट कर दिया, अब नेक्स्ट ऑर्डर आपको 6 महीने बाद ही मिल रहा है, जब तक वो साइकिल ख़राब नहीं होती या तो कोई बिकती नहीं है। तो इन चीज़ों पर फोकस करना, पहला कि आप कितना टाइम दे रहे हो, दूसरा कि आपको पैसे की कितना ज़रूरत है, आप कहीं से बोरो तो नहीं कर रहे हो, फ्रेंड्स से, फैमिली से, रिलेटिव से, तो इसके ऊपर देखना। नहीं तो क्योंकि लोग होता है कि भाई अपने रिलेटिव की फैक्ट्री है तो वहीं से प्रोडक्ट उठा लेंगे और वहीं से मार्केटिंग कर लेंगे, ऐसे भी लोग बहुत होते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपको किस में इंटरेस्ट है, आप क्यों आना चाहते हो, वो भी क्वेश्चन है ना। अब आप आंसर करोगे कि सिर्फ पैसा मिलता है, ये है रीज़न, बट हमेशा नहीं है ना, हर कोई ये सोच के आएगा कि पैसा मिलता तो कैसे काम होगा। थर्ड आता है आपका कि एक राइट टीम कैसे बिल्ड कर लिए इस बिजनेस में। आप एंटर कर लिए, अब 1 मैन आर्मी तो हो नहीं कि आपने सारा कस्टम का भी आप ही देखोगे, परचेस का भी आप ही देखोगे, सेल्स का भी आप ही देखोगे, कम्युनिकेशन भी आप ही देखोगे। इनिशियली जो नया होता है ना, जो इंस्टीट्यूट से सीख के आया या तो खुद सेल्फ स्टडी करता है, वो इन चीज़ों के ऊपर फोकस कैसे करता है, वो सिर्फ 2 चीज़ों को फोकस करता है, एक तो प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड फाइंडिंग बायर्स। बाकी सारा काम करने के लिए हर लोग बैठे हुए हैं, बैंकिंग के लिए बैंक का RM मिल जाता है आपको, ठीक है, कस्टम के रिगार्डिंग आपका CHA मिल जाता है, जहाँ से बाय करोगे वे आपका पोर्ट तक का डिलीवरी दे देता है, तो उसका भी टेंशन नहीं, शिपिंग का बुक वगैरह सारा CHA करके देगा, इंश्योरेंस वगैरह आपका नंबर एवरीथिंग, फॉरन में पहुँच के बाहर अपना खुद कस्टम क्लियरेंस करवा देता है। तो आपको टीम बनाने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि सारे काम आप खुद के लेवल पे नहीं कर सकते, इनिशियल थोड़ा टफ जाएगा। अगर आप खुद भी करना चाहते हो, खुद भी करो, फिर उसको आपको उतना टाइम डेडिकेट देना पड़ता है। तो राइट टीम में क्या होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो ना, अगला बंदा भी उतना ही मतलब सिंसियर होना चाहिए काम के रिगार्डिंग। क्योंकि एक दिन में जैसे आपने किसी को हायर कर लिया फॉर फाइंडिंग बायर, तो बंदा क्या करेगा, एक दिन में 100 मेल करेगा आपको, लगेगा सर रोज़ के तो फ़ोन कर रहा हूँ, रोज़ के तो मेल्स कर रहा हूँ, देखो मैं तो अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ। बट डू यू रियली थिंक कि 100 मेल करने में पता कितना टाइम लगता है? आप कैसे देखना है, गूगल पे सर्च करना और एक एक मेल कॉपी करके पेस्ट करना अपने मेल पे, पूरा दिन निकल जाता है 100 से 200 मेल करने में। 100 मेल करने में हार्डली 5 मिनट लगता है बस, जस्ट 5 मिनट्स, वो भी गूगल से निकाल के, वो ये चीज़ें सिखाता हूँ मैं अपने सेशंस में।
तो आपका अगर आप पूरा दिन लगा रहे हो अपने इसमें तो वो चीज़ें 5 मिनट में हो रही है ना आपकी, तो बाकी का टाइम आप दूसरी चीज़ों में सीखने में लगाओ, तो और कौन कौन से वेज हो सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि राइट टीम कैसे बिल्ड करना है, कि कौन से पर्सन को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है और डेली की एक्टिविटीज़ क्या देनी है उसको। उसके बाद 14 पॉइंट आता है कि जो हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आपके लिए, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग इन योर बिजनेस, क्या क्या चाहते हो, राइट। उसके बाद आता है कि